हुआ सुजुकी एसएस 125 सीसी लेटेस्ट मॉडल गाड़ी है। इसमें कैसे है, हेडलाइट जो हमारे पास कस्टमर आए हुए हैं तो उसका हेडलाइट जो बल्ब होता है वो यूज कर रहे हैं, नया रस्से डाल रहे हैं। नया कौन से बल्ब है आपको वो भी बताने जा रहा हूँ, पहले आप देख लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं समझ लो एक एलईडी बल्ब, एलईडी बल्ब है। तो ये एलईडी बल्ब जिसे आप फिटिंग करो, जिस तरीके की फिटिंग है ये देखिए, ये देखिए इसका ही फिटिंग सेम है और इसका ही फिटिंग सेम है। तो सोच रहे होंगे आप मैं इसे फिटिंग करूंगा हमारा बल्ब जल जाएगा, तो इसे नहीं जलेगा। तो आपको पहले मैं बता देता हूँ, देख लीजिए ये बल्ब देखिए, हाँ फिटिंग हो रहा है, बल्ब फिटिंग हो गया हुआ है। अब इसको हम स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, ये देख लीजिए बल्ब चालू हो गया हुआ है। अब ये देखो गाड़ी भी स्टार्ट है, ये देख लीजिए गाड़ी भी स्टार्ट है और बल्ब भी आपको और एक बार दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए अपर डिपर दोनों चालू है। अब इसको हम डायरेक्ट आपको निकाल के बता रहे हैं, बल्ब इसको हम निकाल दे रहे हैं, ये बल्ब निकल गया हुआ है। अभी भी देखिए आपकी गाड़ी चालू हुआ, अभी ये बल्ब है, अब इसको हम फिटिंग कर देते हैं। देखिए ये बल्ब फिटिंग हुआ, ज़रा भी बल्ब नहीं जल रहा है। ये आप लोग क्यों बता रहे हो कि हमारे पास ऐसे कॉल कमेंट आता है, बोलते हैं सर हम बल्ब लगाते हैं, लगाने के बाद बल्ब जलता ही नहीं है, जिसको बोलते हैं एलईडी बल्ब। ऐसे हमने चालू कर बताया, स्लो गाड़ी था, ऐसे आपने लगाया कभी इसकी लीटर ज़्यादा ज़ोर से दे दिए, कभी कभी हो सकता है बल्ब भी उड़ जाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है, कभी भी आपको बल्ब देख लीजिए, ये पूरा बल्ब देख लीजिए कैसे है, ये सेम समझ लो एलईडी बल्ब है। तो इसको आपको बैटरी से कनेक्शन करना है, बैटरी से अभी कौन से कनेक्शन करने जा रहा हूँ मैं आपको एक शॉर्ट कट में बताने जा रहा हूँ। ये देख लीजिए ये बैटरी का कनेक्शन लग चुका हुआ, समझ लो ये बैटरी से ही चलता है। अब बैटरी को कनेक्शन आपको कैसे करना है ये वीडियो के अंदर मैं वो तरीका बताने जा रहा हूँ। ये बगैर बैटरी जो होता है ये नहीं चलता है, कंपलसरी इसमें बैटरी, समझ लो बैटरी से आपको कनेक्शन दोगे तभी ये बल्ब चालू होगा, नहीं तो नहीं चालू होगा। फिर आपको अगर निकालना है दूसरा बल्ब समझ लो यूज़ करना है ओरिजिनल जैसे, तो आपको फिर वही कनेक्शन वापस ज्वाइन करना है। आपको बताने जा रहा हूँ उसमें वायर कौन से ज्वाइन करना कट करना है, आपको देख लीजिए। ये इसमें एक अपर डिपर बटन आता है, इसमें एक बीच में देखिए एक वायर है, ये देख लीजिए बीच वाला वायर को कट करना है। और कट करके जो ब्रेक का वायर होता है इसमें अर्थिंग एक मेन आता है, ब्रेक दबाओगे तो जाता है, इसमें अर्थिंग वायर नहीं आता ब्रेक वायर में, ये दोनों मेन वायर है देख लीजिए, ये मेन वायर है। मेन वायर में आपको यहाँ हम लोग यहाँ ज्वाइंट करेंगे, सबका काम करने का अलग अलग तरीका होता है। अभी पहले हम इसको यहाँ से कट करते, अब ये देखिए हमने कनेक्शन यहाँ से कट करके एक ज्वाइंट कर दिया हूँ, और दूसरा वायर जो होता है हमने यहाँ से ज्वाइंट से मतलब कट नहीं किए, यहाँ से देख लीजिए ये वायर है, ये वायर में कौन से वायर में दिखे हूँ करंट देख लीजिए, ये आपको ये वाला वायर देख लीजिए। इसमें आपको ये जब आप चाबी चालू करते हैं, चाबी चालू करने के बाद इसमें डायरेक्ट कनेक्शन आता है, हमने इसमें से देख के इसमें यहाँ से कट करके इसको लगा इसको कट दिए हुए। अभी भी चाबी चालू है देख लीजिए, चाबी चालू है तभी भी समझ लो अभी एलईडी बल्ब नहीं चालू। अब एलईडी बल्ब क्यों नहीं चालू हो रहा है, क्योंकि इसमें जो बटन आता है इसमें बटन लगा हुआ नहीं है, ये देख लीजिए लगा हुआ बटन नहीं है, तो इसलिए इसका हेडलाइट नहीं चालू हो रहा। जैसे आप बटन लगाते लगाने के बाद देखिए, ये देखिए ये बल्ब चालू हो गया, इसमें दो है एक अपर डिपर है, ये देख लीजिए इसमें दो है, इस पर अपर डिपर देखो काम चालू हो गया हुआ है। अभी समझ लो आप ये डायरेक्ट समझ लो चालू रहता है, ये देख लीजिए ऐसे बल्ब आपकी गाड़ी का समझ लो कंटिन्यू चालू रहेगा, बंद नहीं होगा। इस पर आपको रख के गाड़ी को चलाना है, अगर आपको समझ लो इसको बंद भी करना है तो आपको इस एक एक्स्ट्रा बटन लगाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा बटन लगाने के बाद क्या होगा, आपका गाड़ी का जो लाइट होता है बंद हो जाएगा। जब आपकी मर्जी होगा तब आप इसको चालू कर सकते हो, जब आपकी मर्जी होगा बंद कर सकते हो। अभी इसमें बटन नहीं आता है देख लीजिए, ये देखिए यहाँ बटन नहीं आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑन ऑफ बटन नहीं है। इसमें अपर डिपर बटन है, ये देख लीजिए जैसे कंटिन्यू आपकी गाड़ी का चालू रहेगा, जैसे आपने चाबी चालू की वैसे चालू हो जाएगा।
और इसका हमने जो पीछे का टेल लाइट होता है, मीटर होता है, हमने इसको जो कनेक्शन है ये मैग्नेट के ऊपर ही रखा हूँ, मैंने बैटरी के ऊपर नहीं रखा हूँ, क्योंकि ये कनेक्शन मैंने यहाँ से कट किया हूँ डायरेक्ट अपर डिपर के पास, इसलिए हमको जो पीछे का टेल लाइट बल्ब होता है, आप जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपका टेल लाइट चालू होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, अगर डायरेक्ट नीचे से देते हैं, नीचे देने के बाद जैसे आपने चाबी चालू की है, उस तुरंत चालू हो जाता है पीछे का टेल लाइट, मीटर बल्ब सब चालू हो जाता है, धीम लाइट भी। अभी देख लीजिए, धीम लाइट आपको बता दे रहा हूँ मैं कहाँ है, ये देख लीजिए साइड में है, वो भी चालू नहीं, अभी स्टार्ट होने के बाद चालू होता है, ये देख लीजिए यहाँ स्टार्ट होने के बाद चालू होता है, देख लीजिए, क्योंकि हमने हेडलाइट का जो बल्ब फिटिंग किए थे इसको हमने अपर डिपर फिटिंग किया। इसी तरीके आप फिटिंग करोगे एलईडी बल्ब तो बहुत इजी से आप फिटिंग कर सकते हो हमारे वीडियो थ्रू से। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे, नेक्स्ट वीडियो अपलोड करो, बहुत इजी से आपके पास पहुंच जाएगा।